हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फ्रेश नीट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोगों जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि पर परागण को बढ़ावा दिया जा सके और स्व परागण को रोका जा सके। तो इस बात पर प्रकृति का भी मानना है कि स्व परागण को रोकना चाहिए, यानी स्व परागण को रोका जाए, स्व परागण को रोका जाए और पर परागण को बढ़ावा दिया जा सके, प्रोत्साहित किया जा सके। ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोत्साहित किया जाए। यानी कहने का मतलब है कि स्व परागण, प्रकृति चाहती है कि स्व परागण को रोका जाए और पर परागण को प्रोत्साहित किया जाए, यानी बढ़ावा दिया जाए। अब बात आती है, प्रकृति ऐसा क्यों चाहती है? प्रकृति ऐसा इसलिए चाहती है कि विकास पहले भी जारी था, यानी इवोल्यूशन पहले भी जारी था, आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। और विकास जारी रहता है, इसके लिए क्या होता है कि जीवों के अंदर लगातार परिवर्तन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रकृति जो होती है वो लगातार जीवों के सम्मुख चुनौतियां पेश करती है। चुनौतियों के रूप में आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे, और यदि आप उस चुनौतियों का सामना करना चाहते हो, उन परिस्थितियों से निपटना चाहते हो, इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में अपने आप को बनाए रखना चाहते हो, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको उसके अनुकूल होना पड़ेगा, यानी आपके अंदर विविधताओं का होना बहुत जरूरी है। अब विविधताएं तभी आएंगी जब पर परागण होगा। विविधताएं कब आएंगी? जब पर परागण होगा। स्व परागण से विविधताएं नहीं आएंगी, यानी कह सकते हो पर परागण से विविधताएं आती हैं, जो कि विकास के लिए जरूरी है, विकास के लिए जरूरी है। तो पर परागण से विविधताएं आती हैं जो कि विकास के लिए जरूरी है सॉरी और यदि विविधताएं नहीं आई, मेरी बात सुनिए, यदि विविधताएं नहीं आई तो आप प्रकृति की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाओगे, और प्रकृति की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाओगे तो स्वाभाविक है कि प्रजाति वो समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए प्रकृति चाहती है कि स्व परागण को रोका जा सके और पर परागण को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसके लिए प्रकृति ने कुछ परिवर्तन लाके दिखाए हैं, परिवर्तन देखने को मिलते हैं, यानी प्रकृति सीधा संदेश कर रही है कि मैं स्व परागण को रोकने का प्रयास कर रही हूं। तो देखिए क्या है, स्व परागण को किस प्रकार रोका जा रहा है और पर परागण को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए हम एक एक टॉपिक पर बात करेंगे। यहां पे दिया गया है, आप लोग देख रहे होंगे, जैसे लिखा है यहां पे पराग अवमुक्ति, विवर्षणा बहुत ध्यान से, पराग अवमुक्ति व वर्तिकाग्र ग्राहिता में समकालिकता का ना पाया जाना। यानी प्रकृति ने एक कार्य ये किया कि देखो पराग अवमुक्ति या वर्तिकाग्र ग्राहिता के बीच में समकालिकता, याद रखना समकालिकता क्या लिखा है, समकालिकता समाप्त कर दी जाए। क्यों? पराग अवमुक्ति यानी परागकण उत्पन्न होने में, विवर्षणा बहुत ध्यान से, परागकण उत्पन्न करने में
और वर्तिकाग्र द्वारा पराग्र ग्रहण करने के बीच में क्या कर दिया जाए, अंतर कर दिया, समान काल को खत्म कर दिया जाए। यानी या तो मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, जब पराग कण उत्पन्न हो रहे हो, पराग कण उत्पन्न हो रहे हो, पराग कण उत्पन्न हो रहे हो, उत्पन्न हो, तब वर्तिकाग्र विकसित ना हो पाई हो, तब वर्तिकाग्र विकसित ना हो पाई हो, वर्तिकाग्र विकसित ना हो पाई हो, ना हो पाई हो, है ना? जब पराग्र उत्पन्न हो तब वर्तिकाग्र विकसित ना हो पाई हो, या फिर जब वर्तिकाग्र विकसित हो तब पराग्र ना उत्पन्न किए जा रहे हो। यानी दोनों में समानता नहीं होनी चाहिए, दोनों एक ही समय पर नहीं होने चाहिए। इससे क्या होगा, इससे एक साधन बन जाएगा कि स्वपरागण रुक जाएगा और परपरागण को क्या मिल जाएगा, बढ़ावा मिल जाए, प्रोत्साहित हो जाएगा वो, है ना? तो एक कार्य तो उन्होंने ये किया कि पराग अवमुक्ति व वर्तिकाग्र ग्राहिता समकालिकता समाप्त हो जाए, है ना? यानी एक ही समय पर पराग्र का अंकुर होना और वर्तिकाग्र का ग्राही हो जाना, ये एक ही समय पर ना हो। जब पराग्र अवमुक्त हो तब वर्तिकाग्र ग्राही ना हो पाए, और जब वर्तिकाग्र ग्राही हो तब पराग्र अवमुक्त ना हो, यानी दोनों के बीच में अंतर बना रहे। अच्छा, ये तो पहला विकल्प हो गया, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या लिख रखी है यहां पे, इसको देखते हैं। दूसरा साधन अपनाया विषम शैली वर्तिकात्व, विषम शैली या विषम वर्तिकात्व, ये होता है दो प्रकार का। विषम शैली या विषम वर्तिकात्व ये होता है दो प्रकार का। इसमें क्या होता है, जो पिन आईडी है, पहला है पिन आईडी, इसमें क्या होता है, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, इसमें क्या होता है, वर्तिकाग्र जो होती है, जो वर्तिका होती है वो लंबी होती है। इसमें क्या होती है, वर्तिका लंबी होगी, वर्तिका लंबी होगी और परागकोश छोटे होंगे, छोटे होंगे, है ना? परागकोश छोटे होंगे, परागकोश क्या होंगे, छोटे होंगे, है ना? सॉरी, आप पंकेशन लिखना चाहिए यहां पे, पुंकेसर, क्योंकि पुंकेसर पर ही पराकुश पाए जाते हैं ना। तो पिन आईडी मतलब क्या होता है, आईडी का मतलब होता है कि वर्तिका लंबी होनी चाहिए और पुंकेसर छोटे होने चाहिए, है ना? छोटे होंगे, वर्तिका लंबी होगी, तो इससे क्या होगा, जब वर्तिका लंबी होगी और पुंकेसर छोटे होंगे तो स्वपरागण को रोका जा सकेगा और परपरागण को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी विधि यहां पे है थ्रम आईड, ये क्या है, इसका ठीक विलोम रहेगा। इसमें क्या होता है कि वर्तिका छोटी होती है, वर्तिका लिख देता हूं यहां पे, वर्तिका छोटी होगी, छोटी होगी और पुंकेसर लंबे होंगे, क्या होगा, पुंकेसर लंबे होंगे। तो ये भी एक वो विधि थी जिससे कि स्वपरागण को रोका जा सके और परपरागण को बढ़ावा दिया जा सके। अगली प्रक्रिया क्या अपनाई प्रकृति ने, एक तो
पहली प्रक्रिया ये हो गई, दूसरी प्रक्रिया ये हो गई। इसके अंतर्गत दो आते हैं, पिनाइड और थ्रमाइड। ठीक है, अब जो अगली प्रक्रिया है वो स्व असामंजस्य। क्या है? स्व असामंजस्य। इसमें क्या किया प्रकृति ने, इसको भी समझ लेते हैं। स्व असामंजस्य में क्या किया, सॉरी, स्व असामंजस्य में एक प्रक्रिया लागू की, स्व असामंजस्य में एक प्रक्रिया लागू की। इसमें क्या होता है स्व असामंजस्य में, इसमें क्या होता है कि इसमें जो वर्तिकाग्र होती है वो पराक्रम को पहचान लेती है। मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, इसमें जो वर्तिकाग्र होती है वो पराक्रम को पहचान लेती है। कैसे पहचान लेती है? यदि ये, तब ये घटना कब घटेगी, इस घटना घटने की दो संभावना है। एक तो जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएं, वर्तिकाग्र पर जाएं, तब होगा ये। दूसरी तब होगी जब एक ही पादप के परागकण उसी पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाएं। याद रखना, ये दो संभावनाएं जब होंगी तभी आपको स्व असामंजस्य देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जैसे एक ही पुष्प के पराक्रम उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, वर्तिकाग्र ने तुरंत पहचान लिया। अब पहचानने का साधन क्या है, पहचानने का कारण है समान जीन का पाया जाना, समान जीन का पाया जाना, समान जीन का पाया जाना। जैसे ही एक ही पुष्प के पराक्रम उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गए, तुरंत वर्तिकाग्र ने देखा कि सेम जीन दोनों के सेम है, तो ने तुरंत पहचान लिया कि देखो तुम हमारे ही पुष्प के पराक्रम हो, हमारी ही पुष्प के पराक्रम हो, हम तुमसे परागण की प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करेंगे। अब इसने क्या किया, वर्तिकाग्र ने उसको भोजन देने से साफ मना कर दिया, उसको भोजन और जल नहीं दिया गया। अब जब उस परागण को भोजन और जल नहीं दिया गया, वो वर्तिकाग्र पर कुछ समय रहा, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया और वो वर्तिकाग्र से अलग हो गया, स्व परागण रुक गया। या फिर एक ही पादप हो, एक ही पादप के पराक्रम उसी पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएं, तब भी स्व असामंजस्य होगा है, क्योंकि तब भी क्या होगा है, तब भी क्या होगा कि जो वर्तिकाग्र होगी वो पहचान लेगी कि तुम तो हमारे ही पादप के, तुम मेरे ही पादप के पराक्रम हो, क्योंकि दोनों के जीन समान होंगे। ऐसा होने पर क्या होगा, उसको भी वर्तिकाग्र क्या करेगी, जल और भोजन देने से मना कर देगी, क्योंकि उनके दोनों के जीन समान है और जब उनको जल और भोजन नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक है कि पराक्रम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वायु के संपर्क में आके वो भी उड़ जाएगा, अलग हो जाएगा और वर्तिकाग्र से उसका संपर्क खत्म हो जाएगा। यानी यहां पर भी स्व परागण को रोका गया और पर परागण को बढ़ावा दिया गया। जब भिन्न जीन का, मेरी बात सुनना, जीन भिन्न हो जाति वही हो, ये भी याद रखना, जब भिन्न जीन का कोई दूसरा परागण आएगा, वर्तिकाग्र उसको स्वीकार कर लेगी, इस प्रकार परागण की घटना संपन्न होगी। तो यहां पर एक साधन ये भी प्रकृति ने अपनाया जिससे कि स्व परागण को रोका गया और पर परागण को बढ़ावा दिया गया। अंतिम बिंदु क्या है, एकलिंगी पुष्प का उत्पादन। अब प्रकृति ने एक बहुत अच्छा विकल्प निकाला कि ऐसा करो, एकलिंगी पुष्प तैयार कर लो। इसके क्या क्या, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, पपीता का एग्जांपल लेता हूं। इसमें क्या होता है कि एक पादप पर
एक ही लिंग के पुष्प होंगे, पुष्प होंगे, यानी या तो नर पुष्प होंगे या मादा पुष्प होंगे, दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो इससे भी क्या हुआ, स्व परागण को रोका गया और पर परागण को बढ़ावा दिया गया। तो इस प्रकार प्रकृति ने क्या किया, एग्जाम्पल याद रखना, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैंने जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो पूरा 100% एनसीईआरटी से ही इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो पर उपलब्ध हो रहे हैं। आप पढ़ते रहिए, आपको पूरा 100% यहाँ पर एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड कवर किया जा रहा है। आप यदि इन वीडियो को पढ़ते वक्त एनसीईआरटी पास रखते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, आपको पूरा पढ़ने का सिक्वेंस पता चल जाएगा और आप एनसीईआरटी के एक एक शब्द को आसानी से समझ पाओगे। और जो आप चाहते हो कि मैं मेडिकल एग्जाम क्वालिफाई करके, नेट एग्जाम क्वालिफाई करके अपने ड्रीम कॉलेज को प्राप्त कर सकूं, तो उसके लिए आप हर एक वीडियो को पढ़िए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और